और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया है कि राज्य निवेश का हब बनने जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है और ऐसे में निवेशक निवेश करने के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। यूपी सरकार की कोशिश है कि कैसे यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाई जाए और इसीलिए फरवरी महीने में 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में होने जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो खुद विदेश दौरे पर गए थे और काफ़ी जो निवेश के प्रस्ताव हैं वो मिले हैं। सर, ये जो आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब 17 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी यूपी एक निवेश का हब बनने वाला है। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश पहले तो मैं पूरी दुनिया में अगर कहूँ कि भारत का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और उस डंके के कारण से आज भारत में जो दुनिया का किसी भी देश का निवेशक है वो भारत आना चाहता है और भारत आने के बाद वह उत्तर प्रदेश को अपना सबसे उपयुक्त स्थान हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो शानदार ढंग से हमारी निवेश को लेकर के नीतियां बनी हैं, जो कानून व्यवस्था अच्छी है, जो निवेशक पहले आए हैं उनके साथ हमारा जो व्यवहार है वह सब कई चीज़ें उसके साथ काउंट करता है, जिसके कारण से दुनिया भर का निवेशक आज भारत में और भारत में आने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश लेकर के आएंगे, आज वह आंकड़ा पीछे छूट रहा है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उत्साह के अतिरिक्त इसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आंकड़े बहुत आगे बढ़ जाएँ और उत्तर प्रदेश में निवेश का अंबार लग जाए, रोजगार का अंबार लग जाए उत्तर प्रदेश विकास के मामले में, क्योंकि जहां कोई भी निवेशक आता है उत्पादन करता है और उसे उपभोक्ता भी मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां उत्पादन करो तो उपभोक्ता भी है। जहां कोई उत्पादन करना है यहां उपभोक्ता नहीं है तो उनको जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, वो मैन पावर भी यहां उनको कम कीमत पर उपलब्ध रहती है और हमारे देश हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की करने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर की हो, वह हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज लखनऊ में भी है, देश के अलग अलग राज्यों में है, दुनिया के अलग अलग देशों में जाना हो गया है। वही लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज निवेशकों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो रही है। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने दावा किया कि सरकार 17 लाख करोड़ के निवेश जुटाने की तैयारी में है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे यूपी को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे निवेश क्रांति यूपी में लाई जाए और इसीलिए फरवरी महीने में 10 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उससे पहले सरकार के मंत्री अलग अलग देशों में गए और वहां से निवेश के प्रस्ताव आए हैं और अब अलग अलग राज्यों में सरकार के मंत्री जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। लखनऊ में आज रोड शो का आयोजन किया गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, उनसे जानेंगे कि ये जो रोड शो हो रहा है इसके जरिए किस तरीके से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। जसवंत जी, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पहल की है कि निवेश यूपी में लाया जाए, एक अच्छी पहल नज़र आ रही क्योंकि बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं। आज लखनऊ में रोड शो का क्या मकसद इसका है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसके लिए उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उसी के लिए मंत्री समूह विदेशों में गए जहाँ से 7 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के निवेशकों को आमंत्रण दे रहे हैं। 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 17 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट का प्रस्ताव का लक्ष्य रखा गया है जिसको प्राप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि कैसे यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाई जाए और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसमें 17 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आने की उम्मीद है। कैमरे हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।